मूवी जो अमिताभ खान जी ने कहा, मोबाइल फोन में देखिए, जब मोबाइल फोन आया तो उसकी कीमत कितनी थी, आज कितनी है। मोर कॉम्पिटिशन, गुड प्राइस टू कंज्यूमर, तो ये नेचुरली सब कम होते जाने वाला है, पर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता थी। और हमारे देश का इम्पोर्ट बिल 7 लाख करोड़ का हमारा फ्यूल का इम्पोर्ट है, और ऊपर से पोल्यूशन है, और उसके साथ देश की इकोनॉमी से इतना बड़ा पैसा बाहर जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति रही। और आज मुझे खुशी है कि सब लोग इस दृष्टि से काम पे लगे हैं, और इसीलिए इतना अच्छा प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूं, अभी हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी भी जल्दी आ जाएगी, और हम 3 बातों पर कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में सरकार क्या कर सकती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, कैपिटल कॉस्ट कम करना, और पावर कॉस्ट कम करना। वैसे मैं एमएसएमई का भी मंत्री हूँ, इंडस्ट्री के भी कंसलरीज और बाकी बातों के बारे में भी मैं जब सोचता हूँ, तो धीरे धीरे ये तीनों कॉस्ट कम करके हम वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटेटिव बन सकते हैं। और अभी जब स्क्रैपिंग पॉलिसी आएगी तो जो आपको वेस्ट मटेरियल मिलेगा वो बहुत सस्ता मिलेगा, और दुनिया का भी हम ला सकेंगे। मैंने कांडला पोर्ट में, हमारे पास 1 लाख एकड़ जगह है, और मैंने इस समय कहा था कि वर्ल्ड से जो स्क्रैप है वो भी हमारे देश में आए, क्योंकि वो देश बाकी देशों के लिए समस्या है, और उससे एल्यूमिनियम कॉपर सबकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि रिसाइकलिंग होगा, और रिसाइकलिंग के कारण कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और बाकी भी बातें जो सरकार कर रही है उससे कॉस्ट कम होगी। और मेरा विश्वास है, अमिताभ कांत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, कि हमें अब ये बस मिस नहीं करनी चाहिए। हम सबको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के साथ साथ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल व्हीकल का इंडिया नंबर 1 का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हमको बनाना है, यही हमारा सबके मन का सपना है। और ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है, और इसलिए आज जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी की, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल देश की आवश्यकता है, और मैं खुद प्रयोग करता हूं, मेरी हॉबी है। मैं अभी 400 बसेस डीजल की हमारे कारपोरेशन में मैंने खुद होकर जिद के साथ पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया, और डीजल बसेस का कन्वर्शन जो सीवेज वाटर था कारपोरेशन का, वो 180 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पावर जनरेशन को भेज दिया। अब उस वाटर से 650 टन स्लज निकल दिया, और फ्रूट वेजिटेबल मटन मच्छी मार्केट की वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर मिथेन तैयार करके बायो सीएनजी 49 टन पर डे बनाने का कोई प्रोजेक्ट टेंडर करने आया नहीं, कोई नहीं आया। अब मेरी जिद देखिए करना था, मैं IIT के हमारे मित्रों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लगभग पूरा किया, 80 बसेस कन्वर्ट हो गई, और अभी 400 बसेस 100 कार और 100 ट्रक हम कर रहे हैं, और अभी नेपियर ग्रास से बायो सीएनजी बना रहे हैं। 1 एकड़ में 200 टन नेपियर ग्रास बनता है, 6000 कैलोरिक वैल्यू है, 60% मॉइस्चर है, तो एक किसान को 1 एकड़ में 2 लाख रुपए मिलते हैं, क्योंकि मैं फार्मर हूं। राइस स्ट्रॉ 5 टन से 1 टन बायो सीएनजी मिलता है, और अभी पुणे में ये एक्सपेरिमेंट जो मैं हमारे क्षेत्र में 6 डिस्ट्रिक्ट में, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा, 5 साल के अंदर डीजल मुक्त करने वाला हूं, और ट्रैक्टर ट्रक बसेस कन्वर्ट कर रहा हूं। और मैंने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल लिया क्योंकि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये इतनी आवश्यक है जो दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल बायो सीएनजी ये हमारा फ्यूचर है। अभी आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इथेनॉल के ऊपर की आपकी बाइक भी आप लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो है ही, पर मैं फार्मर हूं, गेहूं को भाव नहीं, चावल को भाव नहीं, शुगर का प्रॉब्लम, सब जगह किसानों की हालत बहुत खराब है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें फॉर एनर्जी क्रॉप्स, और इथेनॉल तो बहुत, इथेनॉल की 5000 करोड़ की इकोनॉमी 50000 करोड़ की बन रही है, तो अब मैं ये कहूंगा कि इसके लिए बहुत बड़ी प्लेस है जो हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और इसमें इलेक्ट्रिक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास कोल सरप्लस है, सोलर पावर हो रही है, पावर सरप्लस है, कितने प्लांट, पावर प्लांट एनसीएलटी में गए हुए हैं,
पीपीए नहीं हुआ इसके कारण। तो मुझे लगता है पावर जनरेशन हमारी क्षमता बहुत है, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी खड़ा होगा। तो देश हित में जो बात अभिताभी कह रहे थे, मैं कह रहा था, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इसको मार्केट मिलने वाला है। और आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी पेट्रोल व्हीकल से भी ज्यादा इसको रिस्पॉन्स मिलेगा और ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट में आपका अच्छा प्रेजेंस है। मैं केनिया गया था और मैंने वहां के लोगों से जब बातचीत की तो आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज में है, श्रीलंका में आपका अच्छा है, तो ये आप 79 या 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और इससे एक्सेल भी डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मंजा, हमारे देश का एयर पोल्यूशन जो है, जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान निकलेगा। आपने जरूर शुरुआत के समय में आपको लग रहा था कि सरकार इतना तेजी से आगे जा रही, फिर उसमें हमने हमारा जो टफ स्टैंड था इंडस्ट्री के सब लोगों के डर के कारण थोड़ा डायल्यूट भी किया, क्योंकि ये ना हो कि भाई हम लोग इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट, ऐसा इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। अभी भी जो पेट्रोल डीजल बनाना है बनाए, एक्सपोर्ट करना है करें, मार्केट में कोई बैन नहीं है, हम किसी को उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जब बेटर प्रोडक्ट मिलने वाला है तो कंज्यूमर उसका चॉइस करने वाला है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक नए युग की शुरुआत, बजाज के भी इतिहास में मुझे याद है कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते गया सब सब लोगों ने देखा है। मैं आप हमारी विदर्भ एरिया से वरदासी है और जो मेरा क्षेत्र वही है, तो मैं पूरी तरह इस प्रवास पर जानता हूं। और इसलिए आज आपने ये जो किया है, इसके लिए मैं पूरे हमारी सरकार की ओर से आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब हम लोग अमिताभ जी और मैं बात करते थे तो हमारे क्रिटिक्स थे और वो ये कहते थे कि आप जो बात कर रहे हैं ये इतना कठिन संभव नहीं है, सरकार में कोई भी चीज आउट ऑफ बॉक्स कहना, ये कहने के बाद कन्विंस करना है बहुत कठिन काम होता है। अभी मैंने एक पार्किंग प्लाजा बनाया हमारे ऑफिस में, तो मुझे 1.5 साल 18 NOC लाने के लिए लगे और वो बन गया, कोई अधिकारी तैयार नहीं था। और अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो गाड़ियां ऊपर जाती है 7 बजने की, ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना। अब कल NHIDCL को 50 काम मिल गए पार्किंग प्लाजा के देश में, अब 3-4 साल में 10,000 काम मिलेंगे, 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी तो उसी की होगी जिसमें सरकार के पैसे की कोई जरूरत नहीं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें है। तो मुझे आज खुशी है कि नई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होता है उसका बहुत फायदा होता है और आज आपने आज जो